Welcome, Namaskar, dear students and learners. I am Kusum Prasad. You all are watching eVidya channel number 9. So, dear students, this session is for mathematics and the class is 9. And the chapter we are going to take is circles part 6. And to teach this subject, our today's expert is Mrs. Beena Prakash, ma'am. Welcome, ma'am. Namaskar. Bahut bahut swagat, ma'am. Namaste, Nashit. Namaste, Kusumji, and good afternoon to all my learners. Yes, good afternoon, ma'am. Ma'am is Senior PGT Mathematics Campion School, Bhopal. So, dear students and learners, आप इस सत्र से जुड़िए और हम बता देते हैं हमारे विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं, किस तरह से आप अपने फीडबैक, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं. तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पे, वो है 8800440559 पर. इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है dth.class9@cit.nic.in पर. तो ये तो थे हमारे विभिन्न माध्यम किस तरह से आप इस सत्र से जुड़ सकते हैं. अब हम रुक करते हैं हमारी एक्सपर्ट बीना मैम की तरफ. मैम, हम शुरुआत करते हैं आज का सत्र सर्कल्स. हाँ जी, हाँ जी. ये सर, ये जो आज का सेशन है, ये एक्चुअली मैंने क्वेश्चंस लिए हैं इनके एनसीईआरटी टेक्स्ट एग्जांपलर्स से. ये जो क्वेश्चंस लिए हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज कवर करेंगे जो हमने पिछले 5 क्लासेस में सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है सर्कल्स के, वो सारे इस क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो जाएंगे. जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है स्क्रीन में, A, B, C are 3 points on circle. A point है आपको दिख रहा है, B and C, ये 3 point है इस circle के ऊपर. Now question is, prove that the perpendicular bisectors of A, B, B, C and C A. That is, एक chord. A, B जो बना एक chord of a circle, B, C दूसरा chord बनेगा, C, A वैसे तीसरा chord बनेगा. तो ये actually तीनों chords के जो perpendicular bisectors है, they will always be meeting at this point. At a point, that's the meaning of the word concurrent. Concurrent का मतलब ये है कि सारे points, सारे lines जो है एक particular point से pass कर. तो मैंने assume किया है कि that's passing through O. तो देखिए, O ये जो perpendicular, O P ये line है, this is line L. L is the perpendicular bisector of AB. Fine. तो L अगर perpendicular bisector मतलब perpendicular भी है, bisect भी करता है. So what information do we have regarding this perpendicular bisector for any chord? They will always pass through the center. So O है center इस line पे. अगर O center है, तो OA and OB दोनों equal होंगे, because every point from the center of the circle on the circle will be equal. So OA and OB will be equal. Likewise, अब हम BC का perpendicular bisector बनाते हैं. तो ये मान लीजिए M है. तो ये perpendicular bisector means ये जो length है, ये equal है इसके, and ये angle measure करेगा, that is 90. So we find that M is perpendicular bisector for BC. फिर से any perpendicular bisector of any chord will pass through its center. तो हम अगेन मान लेते हैं कि ये O पॉइंट इस लाइन पे है, M पे है. अगर O M पे है, तो व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी हैव? OB और OC इक्वल है. सो OB विल बी इक्वल टू OC. अब आप तीनों रिलेशंस को देखिए, OA OB के बराबर है, OB OC के बराबर है. तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया ना, तीनों इक्वल है, OA OB OC सब इक्वल है. तो आपके पास एक रिलेशन आ गया कि OA और OC भी इक्वल है. तो अगर आपने O A और C को अगर ज्वाइन करते हुए बनाए कोई लाइन, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो भी O से पास करेगा, बिकॉज क्योंकि OA और OC इक्वल है. OA और OC इक्वल है. दिस इंप्लाइज O इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एनी ऑफ AC. इसका मतलब क्या हुआ? तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स O से गया. सो दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी. दैट इज, O इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी. तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाएगा. और बच्चों, ये पॉइंट जो है, इसका एक पर्टिकुलर नाम है. इसका नाम है सर्कमसेंटर. दैट इज नोन एज सर्कमसेंटर ऑफ द सर्कल. दैट इज, अगर हमने कभी कोई ट्राइंगल बनाया है सर्कल के अंदर,
तो वो ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स रहेंगे साइड्स के, दे विल ऑलवेज बी द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ द सर्कम सेंटर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए ए बी, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हमने निकाला है, क्या है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो है हमेशा सेंटर से पास करता है. नेक्स्ट, ए बी एंड ए सी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल. अब ए बी जो है, ए बी सी, ये दो इक्वल कॉर्ड्स है सर्कल के. अब हमारे पास ये प्रूव किया करने के लिए बोल रहे हैं कि अ लाइन दैट इज प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी, ए बी और सी का एंगल बाइसेक्टर जो है वो सेंटर से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा. तो दैट मीन्स ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, क्योंकि वो दिया है एंगल बाइसेक्टर, और ये पी बी से होते हुए कहीं सेंटर है यहाँ पर, ये बताना है हम. तो कैसे बताएंगे हम? तो लेट अस नाउ कंसिडर ट्राइंगल ए पी बी, ए ट्राइंगल ए पी बी और ट्राइंगल बी पी सी लिया मैंने. इसमें हम कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग दीज टू ट्राइंगल्स. क्या प्रूव कर रहे हैं देखते हैं हम. पी बी और पी बी दोनों इक्वल है बिकॉज दे आर कॉमन. ए बी बी सी के इक्वल है क्योंकि वो दिया गया है. एंड एंगल ए बी पी और बी पी सी, ए बी पी ये मेजर जो है और दिस मेजर, बोथ मेजर्स आर इक्वल बिकॉज दैट इज ऑल्सो गिवन. सो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या आया, ये दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ए पी बी और ट्राइंगल बी पी सी दे आर कॉन्ग्रुएंट. ट्राइंगल ए बी बी एंड ट्राइंगल सी पी बी आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस. सो इससे हमें रिजल्ट आते हैं. क्या रिजल्ट आते हैं? इसकी करिस्पॉन्डिंग पार्ट विल ऑल्सो बी इक्वल, दैट इज ए एन पी एंड पी बी, ए पी एंड ए पी एंड पी सी होना चाहिए, पी बी नहीं, इट इज पी सी. ए पी एंड पी सी विल बी इक्वल, ये हमें प्रूव हो जाएगा. दिस इज गिवन तो इसको छोड़ दे. विल प्रूव दैट ए पी एंड पी सी विल बी इक्वल. लाइक वाइज एंगल ए पी बी, ए पी बी इस एंगल का मेजर और एंगल सी पी बी, सी पी बी ये दोनों का भी मेजर सेम होगा, ये दोनों भी मेजर का सेम होगा. अब हमें मालूम है कि ए पी बी और सी पी बी दोनों मिला के 180, क्योंकि ए सी से बना हुआ है पी. देखिए ए पी इज ऑन ए सी, तो वी हैव एंगल ए पी बी एंड पी बी सी, बी पी सी इक्वल टू 180 लीनियर पेयर है. तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, देखो ए पी बी विल बी इक्वल टू सी पी बी और दोनों का मेजर 90 डिग्री. तो इस एंगल का मेजर जो होगा वो है 90 डिग्री. अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस लाइन पी बी, पी बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? पी बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी बी. सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एनी कॉर्ड विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर, सेंटर से जाएगा. तो वी हैव this point that is center of the circle will lie on PB, that is angle bisector. ये वाला है question. Okay? So now next question पे चलते हैं अपन. Now next question says, line joining the midpoints of any two chords of a circle passing through the circle, prove that the chords are parallel. एक line है joining the midpoints of two chords of a circle. दो chords है. A, A, B and C, D are two chords of a circle. A, B and C, D are two chords of a circle. They are passing through the center of the circle. देखिए A, B इसका ये midpoint से, midpoint को join करता हुआ जो line है, midpoint को join करता हुआ जो line है वो center से pass हो रहा है. ठीक है, तो ये center से pass हो रहा है. अगर ये सेंटर से पास हो रहा है मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन, सो व्हाट वी हैव दैट इंफॉर्मेशन, एंगल ओ क्यू सी और एंगल ओ पी बी, दैट इज मेजर ऑफ दिस एंगल ओ क्यू सी और इसका मेजर दोनों ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि इट विल बी परपेंडिकुलर. लाइन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्टिंग द कॉर्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. इससे ये मेजर 90 होगा, ये मेजर 90 होगा. अगर ये दोनों का मेजर 90 होगा, ये दोनों का एंगल मिला के, ये दोनों एंगल मिला के क्या होगा अगर इसका मेजर 180 डिग्री. तो अगर इन केस इफ यू हैव टू लाइंस, एक दो लाइन है, ये वापस हमने लाइंस एंड एंगल्स के पास पहुंच गए, दो लाइंस हैं, दोनों के इंटीरियर मेजर
एंगल्स के मेजर्स हम देखेंगे, अगर ये और ये दोनों एंगल 1 एंड 2, अगर 1 एंड 2 का मेजर जो है, इफ एंगल 1 एंड 2 दोनों को मेजर करके ऐड करके अगर हमारा एंगल मेजर करता है 180 डिग्री, दिस इंप्लाइज ये जो दोनों लाइन है, द लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, वो इंफॉर्मेशन है। देखिए मेजर 90 और ये 90 दोनों को मिला के 180 डिग्री हुआ, हेंस द टू लाइंस विल बी पैरेलल। ओके, नाउ वी मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। नाउ अब देखिए, सर्कल विद सेंटर ए, एक सर्कल है जो सेंटर ए, जिसका सेंटर ए है, पासस थ्रू बी सी डी, ये सर्कल का सेंटर है, इट इज पासिंग थ्रू बी सी एंड डी। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट एंगल सी बी डी, सी बी डी कौन सा एंगल हुआ, ये हुआ, इसको बोलते सी, और डी बी सी ये एंगल हुआ, तो ये दोनों का जो एडिशन है, सम है, ये बी ए डी इसका आधा है, हाफ ऑफ दिस। ये कहां से कहां पहुंच गए, देखिए हाउ टू कनेक्ट ऑल दीज एलिमेंट्स टू प्रूव। अब आप देखिए बी सी, ये जो एंगल्स दिए हैं, मैं इसको अगर नाम देती हूं 1 एंड 2, 1 2 हैपेंस टू बी अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, दिस इज इन ट्राइंगल बी सी डी, ये ट्राइंगल बी सी डी के बारे में है, बी सी डी में आपको सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये किससे है, बी पी डी और बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी इज दिस एंगल और ये एंगल, और ये दोनों का सम 180 है। क्यों 180 है, बिकॉज दे फॉर्म अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, पी बी सी डी दे आर ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये मैंने पॉइंट लिए हैं ऑन द सर्कल, सो दे फॉर्म अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, सो इन दोनों का मेजर विल बी 180 डिग्री। अब ये दोनों मेजर्स एंगल 180 डिग्री करता है तो दोनों इक्वल हो गए एक दूसरे के, तो हमारे पास एंगल सी बी डी एंड सी डी बी इज एंगल बी सी डी, देखिए अब इन दोनों को इक्वेट करिए तो आपको क्या मिलेगा कि सी बी डी और सी डी बी को ऐड करके एंगल बी पी डी मिलेगा। अब ये बी पी डी को कैसे कनेक्ट करेंगे बी ए सी, याद करके देखिए बच्चों, ये एक थ्योरम था अपना, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड बी डी एट द सेंटर, कौन सा एंगल हुआ, मैं इसका नाम डाल देती हूँ ए, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर इज ए, और एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड, उसी कॉर्ड का एंगल एट द ऑल्टरनेट सेगमेंट, इसका नाम डाल दिया मैंने पी। ये दोनों एंगल एक दूसरे से कनेक्टेड है, हाउ इज इट कनेक्टेड, एंगल ए एंड ट्राइज ऑफ एंगल पी आर इक्वल, हमें एंगल ए चाहिए था, so therefore it is half of angle BPD. तो ये क्लियर हुआ बच्चों, हो सकता है क्लियर हो सकता है, लग रहा है कुसुम जी क्लियर हो जाएगा ये जी। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पहले किया था, ये सर्कल्स की प्रॉपर्टीज हैं, इसको ये क्वेश्चंस करने से आप अपना रिवीजन आपका हो जाएगा, सर्कल के सारे प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ये क्या क्वेश्चन है, BM and CN are perpendiculars drawn on sides AC and AB of The triangle ABC. अब आपको प्रूव करना है BCM जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, BCM जो है एक ट्राइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, BCM, B, ये साइड, दिस साइड, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है। How will you prove that they will be a cyclic quadrilateral? That is, अगर हमने एक सर्कल बनाया तो वो सर्कल जो है ये दोनों पॉइंट से पास, ये चार पॉइंट से पास होंगे, कौन कौन से पॉइंट से पास होंगे, N, B एंड M, C, ये चारों पॉइंट से पास होंगे। तो आप कैसे प्रूव करेंगे, आपके पास ऑलरेडी देखो, देखिए आप देखिए आराम से देखिए, देखो क्या मिल रहा है अपने को, मैं ये बी सी एक कॉर्ड है, एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है आपको, बी सी एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है आपको, तो बी सी एक एंगल, दो एन एंड एम आर ऑन द सेम साइड, दोनों एक ही साइड है बी सी के, तो मेजर ऑफ एंगल बी एन सी एंड बी एम सी दे आर 90 डिग्री, ये दोनों मेजर 90 डिग्री करता है। सो व्हाट डज इट से, इफ एंगल दे मेजर सेम, एंगल्स आर सेम, देन द पॉइंट्स आर
concyclic. Points are concyclic का meaning कि एक circle बना सकते हैं which will pass through N, B, C, M and N. इससे एक circle बनेगा और इसमें एक result और छुपा है. What is that result? Also, what is the side BC? ये BC क्या होगा? BC will be the diameter. Why is it the diameter? Diameter of that circle. Of that circle. क्यों होगा उसका diameter? क्यों हो सकता है इसका diameter? क्योंकि हमने एक theorem फिर पढ़ा था. क्या था वो theorem? The angle made by one chord which measures 90 degree. If a chord measures an angle 90 degree in an alternate segment, then that chord is the diameter of that circle. ये chord BC जो है at point M पे भी 90 degree बना रहा है, at point N पे भी 90 degree बना रहा है. That means BC होगा उस circle का diameter. So दो चीजें हमने देखा. That is when we have same angle, दोनों measure same है, तो एक cyclic quadrilateral बनेगा. ओके, दैट इज एक सर्कल हम बना सकते हैं विच विल पास थ्रू द पॉइंट, ये चारों पॉइंट से. ये चारों पॉइंट से हमारा सर्कल बनेगा. ये पॉइंट बी से भी पास होगा और पॉइंट एन एम यहां से भी पास होगा. ठीक है, ये इस तरह का एक सर्कल बनेगा. ये थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है आपको क्योंकि टेक्निकली मैं जो बनाई हूं करेक्ट नहीं बना पाई हूं, तो इसलिए आपको ये सर्कल, तो ये बीसी जो रहेगा उस सर्कल का डायमीटर, बिकॉज ये एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल इज 180. So, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है हमने एज थियोरम्स एंड प्रॉपर्टीज किया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट थियोरम्स एंड प्रॉपर्टीज हैं जो हमें हम आगे तक काम आता है. हर बच्चों को ये याद रखना है कि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. अब आप देखिए ये क्वेश्चन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल. कुछ बोल रहे मैडम? एक ट्रू और फॉल्स का सेशन है, उसे और क्लियर हो जाएगा. ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, इसको आप जरूर से देखिएगा. सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, इसे आप कभी भी सर्कल का प्रॉपर्टी भूल नहीं पाएंगे. जैसे एक लाइन है ड्रॉन पैरेलल टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल. ए बी सी एक आइसोसेलस ट्रायंगल है और इसके साइड बी सी के विल ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू इट, दैट इज पी क्यू बनाया हमने. तो ये जो करना है हमें प्रूव करना है कि द क्वाड्रिलैटरल फॉर्म दैट इज पी क्यू सी बी एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. फिर से साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वापस आ गया. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का प्रॉपर्टी क्या है? या तो हमें एक कॉर्ड से एंगल इक्वल प्रूव करना है और एल्स सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स शुड बी 180 डिग्री. दैट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. अब आप देखिए एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी क्या है? बी प्लस एंगल वन, बी प्लस एंगल वन, इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आया. क्यों? बिकॉज PQ is पैरेलल टू BC. अब एक और चीज है एंगल C प्लस एंगल, मैंने यहाँ पे B को रिप्लेस किया C. क्यों रिप्लेस किया है? क्योंकि हमें दिया गया है कि AB is equal to AC, so therefore angle B will always be equal. Because in isosceles एक ट्राइंगल है, तो मेजर ऑफ एंगल B और एंगल C they are equal. तो हमने B को सिर्फ रिप्लेस किया C से, तो हमारे ये जो स्टेटमेंट है वो बना क्या? एंगल सी प्लस एंगल वन, तो सी और एंगल वन मिला के 180 डिग्री. तो हो गया ना ये ऑपोजिट पेयर्स. या अगर ये ऑपोजिट पेयर्स अगर 180 है तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा. दैट इज एक सर्कल अगर हम बनाएंगे विच इज पासिंग थ्रू पी एंड बी एंड सी, इट विल डेफिनेटली पास थ्रू क्यू. दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. ठीक है, अब आप जल्दी से ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं. टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है, एक एक क्वेश्चन में एक एक इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा. टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल आर सच दैट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, दोनों
सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है, तो विल द कॉर्ड्स बी सेम? द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स, ये एक प्रॉपर्टी है, इक्वल कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स विल ऑलवेज बी इक्वल, सो देयरफॉर द टू कॉर्ड्स का लेंथ जो है दोनों इक्वल रहेंगे. दूसरा है कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी. अब देखिए कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी मतलब एक पॉइंट है फिक्स्ड, एक कॉर्ड पॉइंट है फिक्स्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ओ ए. तो ओ ए इज, ओ इज दिस पॉइंट, ए इज दिस पॉइंट, ए बी एज्यूम करो यहाँ पॉइंट है एंड सी एज्यूम करो यहाँ पॉइंट है. दे आर टू कॉर्ड्स, एक सर्कल पास कर रहा है इन सबसे विच हैज ओ एज अ सेंटर. नाउ ओ ए बी इज इक्वल टू ए इज ओ ए बी एंड ओ ए सी. वाई शुड दीज एंगल्स बी इक्वल? हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं भाई, वाई शुड दीज एंगल्स बी इक्वल? वी डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉर्ड्स. अगर हाँ, अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल दिया होता, हमने अभी आज ही क्वेश्चन किया, इक्वल दिया होता तो वी वुड हैव प्रूव दैट दे आर इक्वल. सो विदाउट दैट दिस इन्फॉर्मेशन दिस इनकम दैट इज ये प्रूफ नहीं कर, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट हैज टू बी इक्वल. इट विल बी इक्वल ओनली इफ द टू कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ. Next, two congruent circles with centers O and O dash intersect at two points A and B. Then the angle AOB and AO dash B, they will be equal. That is, अगर हमारे पास दो congruent circles हैं, ये एक circle है और this is another circle. ये दोनों सर्कल्स जो है एक दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए एंड बी, दिख रहा है इक्वल? तो ये दोनों सर्कल जो है दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए एंड बी, तो ये हम मान लेते ए बी है. हमें प्रूव ये करना है दिस इज ए एंड दिस इज बी. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव इज इफ यू जॉइन इट टू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ये ए ओ है और इफ यू जॉइन टू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इट्स ओ डैश, दोनों एंगल्स का मेजर सेम होगा. ये क्यों सेम होगा? देखो ध्यान से देखिए, ये कॉर्ड बना रहा है, दिस इज मेकिंग एन एंगल दिस. अब ये जो कॉर्ड है इट इज सबटेंडिंग सम एंगल, इजंट इट? व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल? द मेजर ऑफ दिस एंगल विल बी हाफ ऑफ इट. तो दिस and measure of this angle, what will the measure of this angle be? Again, the measure of this will be half of it. ये दोनों is formed by the chords, they are congruent. ये दोनों congruent होंगे, दोनों circles congruent है, radius है, आपको इतने भी लेकर आने की जरूरत नहीं है, we can always prove it. They are all going to be equal. अब देखिए they are congruent circles, so won't this length be equal to this length? The radius of the circle, ये एक length इसके बराबर और ये कॉमन साइड है, सो देयरफॉर द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AO-B, सो द करस्पोंडिंग एंगल्स विल बी इक्वल. फाइन, नहीं देता कि हम इस सत्र को आगे बढ़ाएं मैम. तो मैम अब हम इस सत्र को ये सारे क्वेश्चंस अगर आप बच्चे करेंगे तो सर बिल्कुल बिल्कुल आगे जब भी जरूरत है तो ये सारे प्रॉपर्टीज यूज करूंगी तो आपके सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे. बिल्कुल मैम, आपने आज एनसीईआरटी एग्जांपलर के क्वेश्चन सॉल्व करे और हमें उम्मीद है कि बच्चों का रिवीजन हो जाएगा इसके जरिए. तो मैम आप यहाँ आए और हम आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मैम. थैंक यू. सो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आप जरूर इसको दोबारा देख सकते हैं, कल एनसीईआरटी ऑफिशियल पे आप देख पाएंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम सर्कल्स के, तो आप इनको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा. तो अब हमारा सत्र यहीं संपन्न होता है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए ई विद्या चैनल से और ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए ई विद्या चैनल. हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार.